नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं नीरज शर्मा। बांसवाड़ा में विजयादशमी उत्सव पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पथ संचलन का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। इस दौरान छोटे बच्चों, युवाओं से लेकर उम्र दराज स्वयंसेवक भी पूर्ण गणवेश में कदम ताल करते हुए चल रहे थे। पथ संचलन मिल रोड से प्रारंभ हुई और शहर के मुख्य मार्गो से होते हुए राजेंद्र नगर में समाप्त हुई। हमारे संवाददाता से बातचीत करते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री राजेश तिवारी ने कहा कि 1925 से लगातार हर साल विजयादशमी के दिन आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। पथ संचलन जिन जिन मार्गों से गुजर कर निकला, वहां आम नागरिकों ने फूलों की बारिश कर स्वयं सेवकों का अभिनंदन किया। सभी शाखाओं ने एकत्रित होकर शस्त्रों की पूजा अर्चना भी की। सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों पर पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज बांसवाड़ा से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन का कार्यक्रम हितकारिणी धर्मशाला से प्रारंभ हुआ और ताम्रकार धर्मशाला में समापन होगा। प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस आयोजन को करके अपना स्थापना दिवस मनाता है। 1925 से नागपुर से जो संघ शुरू हुआ, आज संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं लगती हैं और शाखाओं में निरंतर व्यक्तित्व निर्माण का काम, व्यक्ति निर्माण का काम चल रहा है और वह व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अपनी रुचि के अनुसार काम करता है, भारत माता की जय बोलता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक श्रेष्ठ नागरिक निर्माण करने का काम इस शाखाओं के माध्यम से कर रहा है।